और वे मथुरा के लौंडे आ रहा अपनी छत पे पेचे लड़ाने। अबे तू देगा खुला चैलेंज? साले भूल गया पिछले साल तेरी पतंग कैसे काटी थी? जैसे तेरी गली में चौमिन वाला सब्जियां काटता है टक 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 टक, वैसे काटी थी तेरी पतंग। अबे चल चल, बाप से पंगा नहीं लेते, समझ आई? साले मिलता हूँ छत पे तुझे मैं। ये करेगा हमें चैलेंज। रिमोट कहाँ है टीवी का? कहाँ है? ओह ये रहा, थैंक्स। हाँ क्या मस्त गाना है। यही प्रॉब्लम है आज के जनरेशन की, सुबह सुबह उठ के गाने चला रहे ढिचक ढिचक। अरे तेरे को पता नहीं है देश के बारे में? कुछ पता नहीं पता है? आज देश आजाद हुआ है, ये नहीं कि परेड देख ले कुछ कर ले। लेकिन नहीं, तेरे को जो पानी पानी ये देखना है लायक। क्या यार पापा, सुबह सुबह लेक्चर मत दिया करो, मुझे पता है आज इंडिपेंडेंस डे है। बोला तो जान ही रहा, आया बड़ा ला रिमोट ले इधर, आज सुबह ये सब नहीं चलेगा। अरे पापा मेरा कोई भजन सुनने का मूड नहीं है बिल्कुल भी, मुझे गाने सुनने दो। ऐसा है आज ना 15 अगस्त की लाइव परेड चल रही है, लगा चुपचाप। अरे नहीं पापा, गाना सुनूंगा, मेरा गाना सुनने का मन है। तेरी तो इधर रहा। एक मिनट, कुत्ता तो मैं ही हो गया। सुनो जी, सुन लेने दो ना उसको गाने, क्या हो गया? अरे चुप करो, हर वक्त तुम उसकी तरफदारी करती हो। अरे ऐसे हमारा बच्चा हमारे देश और संस्कृति के बारे में क्या खाक सीखेगा? सुनो जी, मान जाओ ना। अरे चुप हो जाओ, तुम्हारे लाल प्यार के चक्कर में बिगड़ाई है। तुम्हें पता है हमारे जमाने में 15 अगस्त की सुबह हम लोग नहा धो के तैयार होके परेड देखने के लिए बैठ जाते थे। अरे लेकिन परेड 26 जनवरी को आती है। परेड 26 जनवरी को आती है? हाँ, तब से कोशिश कर रही हूँ समझाने की कि बेटे के सामने बेइज्जती ना हो, लेकिन तुम तो हमेशा बेइज्जती करवा के मानते हो। पापा आपके जमाने में कौन से चैनल पे आती थी 15 अगस्त को परेड? अरे दादाजी को 26 जनवरी वाला रिपीट लगा देते होंगे। अरे चुप कर, देख लियो कैसे जमान लड़ा रहे। अरे कम से कम हम तुम्हारी तरह ये गाने अश्लील गाने ये सब तो नहीं सुनते थे, हम जाते थे छत पे पतंगबाजी करने। पतंगबाजी और आप? अरे बस करो पापा, फेंकने की हद होती है। बेटा फेंक तो मैं तुझे दूंगा इस घर के बाहर और पतंगबाजी के मैदान से भी बाहर। अरे तू कन्ने बांधता रह जाएगा और तेरा बाप 20-25 पतंगे यूं काट के घर आ जाएगा। पापा अब ज्यादा हो रहा है, आपको जो बोलना है मुझे बोलो, लेकिन मेरी पतंगबाजी के बारे में कुछ मत बोलो। मोहल्ला पतंग एसोसिएशन का चैंपियन हूँ मैं, चैंपियन। हाँ, जिसमें खाली दो ही मेंबर है, एक तू और एक तेरा दोस्त बटरे का लौंडा जो सिर्फ चरखी पकड़ता है। पापा मैं आज अभी इसी वक्त आपको पतंगबाजी के लिए चैलेंज करता हूँ। अरे हाँ हाँ, चैलेंज एक्सेप्टेड। आज तुझे और तेरी पतंग को अगर काट के ना रख दिया ना, तो मेरा नाम भी मुरारी लाल गुप्ता नहीं। ठीक है फिर, मिलते हैं 11 बजे छत पर। आ जा। पापा थोड़े पैसे दो ना पतंग और मांझे चरखड़ी के लिए। गाइस ये चैलेंज तो पक्का मैं ही जीतूंगा, मेरे लिए भर भर के लाइक कर देना ताकि मैं ये चैलेंज जीत जाऊं। और वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना। भाई के लिए लाइक करो वीडियो को। जीतूंगा तो मैं, लाइक कर दो, देखते हैं कौन जीतेगा। पतंगे ले लो पतंगे, भाई साहब ऐसी पतंग कहीं नहीं मिलेगी, इंडिया छोड़ो चाइना छोड़ो अमेरिका छोड़ो मंगल ग्रह पे भी नहीं मिलेगी ऐसी पतंगे। पतंगे ले लो पतंगे, पतंगी पतंग, पतंग ले लो पतंग। अरे पापा आपको आने की क्या जरूरत थी? अरे थोड़ा तो भरोसा करा करो अपने बेटे में, और अगर पैसे चुराने होते तो कब के चुरा लिए होते। अरे बेटा एक बार को तुझ पे पैसों का भरोसा कर लूं, लेकिन चैलेंज
चैलेंज का भरोसा तो बिल्कुल ना करूं। और वैसे भी तुझे क्या खाक नॉलेज है, पतंग कौन सी लेनी है, मंजा कैसा लेना है, कुछ पता है? Yes! अरे मुझे सब पता है, ठीक है ज्ञान मत दो, देखो पतंग कौन सी पसंद आ रही है। अरे पतंगबाजी के चैंपियन आज खुद हमारी दुकान पर चले आ गए। अरे हुकुम करते हम चले आते, आपने क्यों कष्ट किया? अरे बल्लू भाई कैसी बात कर रहे हो, मैं आया आप आए एक ही बात है। चलो कोई नहीं, आप कस्टमर देखो, मैं आता हूँ अभी। ठीक है भैया। हाँ क्या चाहिए तुम दोनों को बताओ? एक किलो जलेबी बांध दो। जलेबी? अरे जब पतंग की दुकान खोल के बैठे हो तो पतंग ही लेने आए होंगे ना, क्या चाहिए तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे शॉपिंग मॉल खोल के बैठे हो। अरे चुप कर भैया जी, पतंगे बांध दीजिए और हाँ बढ़िया सा मंजा दिखाइए। और हाँ पतंग पूरी 100 पैक करना, 100। मेरा दिमाग तो ठीक है, पैसे का पेड़ पोखते हैं 100 पतंगे। अरे कर दी ना पापा वाली बातें। अरे जब तुम्हारे बस की नहीं है चैलेंज वैलेंज तो मत लिया करो, एक काम करो हार मान लो और घर जाओ। चलो जाओ घर जाओ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ले लो 100 पतंगे। लेकिन लेकिन मंजा पुराना वाले यूज करेगा पिछले साल का, पहले उसको सुलझा फिर नए वाले मंजे पे नजर डाल लियो। अरे पापा वो मंजा कच्चा है कच्चा। चुप कर, जब कहती तो कहती। भैया जी बढ़िया बढ़िया पतंगे दिखाओ और मंजा दिखाओ मेरे लिए। ये वाला देखो। चलो भैया जी कीप द चेंज। पतंगे पतंगे ले लो, बस थोड़ी सी बची है पतंगे, बाकी सब गई पतंगे। पतंगे ले लो, 10 की 5 करती हैं, 10 की 4 बेच रहा था अब तक, 10 की 5 पतंगे 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 पतंग पतंगे। ए यार पापा खुद तो चाइनीज मांजा लिया है और मुझे गंदा सा मांजा पकड़ा दिया सुलझाने के लिए, ये ऐसे कैसे सुलझेगा? एक काम करता हूँ, जैसे भी करके इसे सुलझा लेता हूँ और फिर इस पे ट्यूबलाइट का कांच रगड़ दूंगा और ये इतना पक्का हो जाएगा पापा की पतंग यूं काटूंगा, यूं यूं यूं। अब जल्दी से सुलझाता हूँ इसे। Six hours later. दे यार, मान जाए कि क्या ही है? ये तो सुलझ ही नहीं रहा, 6 घंटे हो गए सुलझाते हुए। एक काम करता हूँ, बत्रा के लौंडे को बुलाता हूँ, वो हेल्प करेगा। हेलो बत्रा के लौंडे, फटाफट से मेरी छत पे आ जा, तेरे लिए काम आया मेरे पास। हाँ हाँ जल्दी आ, अब आएगा मजा। अरे भैया किस काम में लगवा दिया ये? अरे करना यार बढ़िया काम है। सुलझा यार जल्दी सुलझा। क्या सुलझाऊं मैं? थोड़ी देर में पापा के साथ चैलेंज है और मुझे जीतना है। Seven hours later. Finally, मांजा सुलझ गया। अब देख पापा की पतंग कैसे काटता हूँ। चल तू अपने घर निकल, मैं अपने पापा के साथ चैलेंज करता हूँ। चल ठीक है भाई, बेस्ट ऑफ लक। पापा बाप बेटा पतंग लीग में आप लोगों का स्वागत है। तो हमारे आज के पहले चैलेंजर हैं 32 साल से एक ही यूनिफॉर्म पहनकर सरकारी दफ्तर जाने वाले 52 किलो के डायबिटिक पंकू के पापा। और हमारे दूसरे चैलेंजर हैं उन्हीं के पैसों पर अय्याशी करने वाले, दिन भर आलस में पड़े रहने वाले, 11वीं में 2 साल फेल हो चुके, यानी मेरे बेटे पंकज। मम्मी ये फेल होने वाली बात बतानी जरूरी थी क्या? अरे छोड़ ना बेटे तू चल। अच्छा जा।
रुको रुको, शुभ काम से पहले तिलक और मीठा पानी हो जाए। विजय भव। मुझे बोल के गई है, मुझे बोल के गई, मुझे बोल के गई। चल आजा। अरे यार, पापा की पतंग इतनी ऊपर उड़ गई और मेरी उड़ ही नहीं रही। पापा की वहां उड़ रही है, मेरी वहां जा रही है। मम्मी कन्ने दे दो। क्या वो बेटा, निकल गई हवा? आपने ना छत का हवा वाला हिस्सा ले लिया है और मेरे हिस्से में हवा ही नहीं आ रही, इसलिए मम्मी से कन्ने मांग रहा हूँ। मम्मी कन्ने दे दो। 1 2 3 उड़ गई वो उड़ गई। अब मैं नीचे जा रही हूँ, अब तो उड़ा ले। अरे दूर का भाग रहा है, पेचे लड़ाना बेटे, अभी काट दूंगा तेरी पतंग। देख फिर दूर भाग रहा है। अरे वो मेरी पतंग हवा की वजह से दूर भाग रही है, वरना आपसे डरता थोड़ी हूँ मैं। यूं काट दूंगा आपकी पतंग, यूं। अच्छा बेटा जी, अगर मेरी पतंग यूं काट देगा तो दूर क्यों भाग रहा है, साफ दिख रहा है। देख आया मैं आया। ए, ए, दूर रहो, पास मत आओ मेरे। अरे डर क्यों रहा है, कॉम्पिटिशन किस बात का? हाँ पतंग पे ध्यान दो, कभी पता चले कोई और ही काट जाए। आ रहा हूँ बेटा। अरे मम्मी, देख पकड़ा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अरे बतूरा के लौंडे, बढ़िया पतंग उड़ रही है, कोई टेंशन नहीं। हाँ, तू अपनी छत से देख, तेरे भाई की पतंग 3.5 करोड़ किलोमीटर दूर उड़ रही है। अरे एक हाथ से क्या, एक उंगली से भी उड़ा रहा हूँ भाई मैं। बढ़िया, चल बाय, फोन रखता हूँ। तुम जीतोगे हमसे कॉम्पिटिशन। लायक बाप के सामने गुटखा खाता है, वो भी अकेला अकेले। सॉरी पापा, आप भी लो। ओए होए, देखो ना एक मिनट, तू तंबाकू खाता है? पापा सॉरी, पापा सॉरी, हे भगवान, 3 घंटे हो गए, इन दोनों का कंपटीशन ही खत्म नहीं हो रहा है। धूप में खड़े खड़े सनफ्लावर बन गए होंगे और भूख भी लग रही होगी, कुछ तो करना पड़ेगा। आइडिया। थैंक यू बेबी। क्या ये दोनों मिले हुए हैं?
मतलब इन दोनों ने हमारी पतंग काट दी। हाँ, मुझे तो पहले ही पता था दोनों बाप बेटे एक नंबर के ठगी इंसान हो। 2 मिनट लगेगी तुम्हारे ध्यान डिस्ट्रैक्ट करने में, इसलिए मैंने पहले ही मोहल्ले के प्रोफेशनल पतंगबाज बिल्लू को फोन करके बुला लिया था ताकि तुम दोनों को सबक सिखा सके। बदतमीज नालायक, इतना बड़ा हो गया है और छत पे आके लड़की छेड़ता है। ओ पापा, रहने दो आप, आपकी बेटी की उम्र की थी वो लड़की। मैं तो तेरे लिए लड़की पसंद कर रहा था। सच्ची? अब तुम दोनों सड़ो यहीं पे, मैं नीचे जा रही हूँ खाना खाने के लिए, और ये गेट उसी लड़की से खुलवाना जिसे तुम दोनों ताड़ रहे थे। अरे नहीं, अरे मम्मी नहीं। अरे मम्मी प्लीज दरवाजा खोलो, मम्मी भूख लगी है, खोलो। मम्मी खोल दो, बहुत तेज भूख लगी है। नारायण, तेरी वजह से हुआ था। मैंने क्या किया? चुप कर। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। रेड वाले बटन से दबाओ सब्सक्राइब करो, और हमारी तरफ से आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। बाय गाइस, लव यू।